दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए पुआ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं मैदा, यहाँ पे ले रहे हैं चीनी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, छोटी छोटी बारीक कटी हुई किशमिश, इलायची दाना, इलायची, केला, बादाम का छोटा छोटा टुकड़ा, ये सब डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे 30 मिनट के लिए हम अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देते हैं। A few minutes later. तो चलिए अब ये हमारा 30 मिनट हो चुका है, ये मैदा अच्छे से फूल चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। A few moments later. तो चलिए अब मैं इसे कढ़ाई में डालती हूँ। तो गाइज आपको हमारा पुआ कैसा लग रहा है? A few moments later. तो ये हमारा पुआ है बनकर तैयार और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। जल्दी जल्दी अब ये सब पुआ को छान लेती हूँ। A few moments later. तो दोस्तों आपको हमारा पुआ कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।